हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू भर्ती के बारे में जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। और यह वैकेंसी जो है जूनियर क्लर्क के पोस्ट पर निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी रखी गई है 22 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो 11 सीट अवेलेबल कराए गए, ओबीसी कैटेगरी में जो है 5 सीट अवेलेबल कराए गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 2 सीट अवेलेबल कराए गए, एससी कैटेगरी में जो है 3 सीट अवेलेबल कराया गया और एसटी कैटेगरी में जो है आपका 1 सीट अवेलेबल कराया गया है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जो डेट रखा गया है वो 16 दिसंबर 2022 रखा गया है, यानी 16 दिसंबर 2022 से जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। फॉर्म के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 13 जनवरी 2023 रखी गई है। एग्जाम डेट जो है आपका अवेलेबल सून। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट। तो देखिए, आयु सीमा की जो आपकी गणना की जाएगी वो 13 जनवरी 2023 को आधार मानकर आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। मिनिमम एज मतलब न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फी। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 500 रुपया रखा गया है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 0 रुपया रखा गया है। पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन ही पैसा पे करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। आपको जो है क्लास 12th पास की डिग्री मांगी गई है। अगला है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका एक रिटेन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगला है हमारा सैलरी। सैलरी की जो है हम बात करेंगे वो मंथली सैलरी की बात करेंगे, जो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये जो है आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो आपका स्पीड मांगा गया है वो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए जो आपका स्पीड मांगा गया है वो 30 वर्ड पर मिनट। तो ये तो था दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भर्ती का ओवरव्यू। अगर आप इसके लिए योग्यबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।